नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अप्रैल शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बिजली की डेली खपत बढ़कर 27 करोड़ यूनिट प्रतिदिन के पार पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल बिजली की रोजाना औसत खपत 19 करोड़ 90 लाख यूनिट थी, यानी 7 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली की डिमांड पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। शॉर्ट टर्म टेंडरिंग और एक्सचेंज से बिजली की महंगी रेट पर खरीद के बावजूद बिजली की किल्लत हो रही है। 11 रुपये 15 पैसे यूनिट पर शॉर्ट टर्म टेंडर की अधिकतम रेट और एक्सचेंज से 17 रुपये यूनिट महंगी तक बिजली खरीदने के बावजूद यह स्थिति है। 20 और 21 अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि बिजली की डिमांड 28 करोड़ 22 लाख यूनिट के ऊपर पहुंच चुकी है। तमाम जतन के बावजूद उपलब्धता 27 करोड़ 9 लाख यूनिट तक हो पा रही है। उसमें भी विद्युत प्रसारण निगम की ओर से बिजली शेड्यूल 26 करोड़ 22 लाख ही की गई है। जयपुर डिस्कॉम एरिया में 11 करोड़ 8 लाख यूनिट, जोधपुर डिस्कॉम एरिया में 8 करोड़ 1 लाख यूनिट, अजमेर डिस्कॉम एरिया में 7 करोड़ 57 हज़ार यूनिट बिजली की खपत हुई है। उदयपुर में दुष्कर्म के बयान से युवती मुकर गई, जिसके बाद पोक्सो कोर्ट ने युवती को 3 माह के कारावास की सजा सुनाते हुए 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने युवती को गलत जानकारी और बयानों से मुकरने के चलते धारा 344 का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने युवती को हाईकोर्ट से 1 माह के अंदर जमानत लेने का समय दिया है। कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर युवती को जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि युवती ने वर्ष 2021 में अंबामाता थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मामले में आरोपी युवक 6 माह की जेल भी काट चुका है। चूरू जिले के भालेरी मार्ग पर कार पलटने से बाप बेटे की मौत हो गई। हादसे में कार में उनके साथ सवार एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों लोग बारात में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि भालेरी निवासी नरेंद्र सिंह के चचेरे भाई की सांकू फोर्ट गाँव के स्थित खेड़ी में बारात गई हुई थी। वह कार लेकर बारात से वापस लौट रहे थे, तभी भालेरी से चूरू की ओर आते समय संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई। हादसे में कार सवार नरेंद्र सिंह, उनके बेटे वंश की मौत हो गई, जबकि साला कुंदन सिंह हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। एप्पल आईफोन बेचने के बहाने 40 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित सौरभ ठठेरा ने दिल्ली की कुरियर कंपनी के खिलाफ जयपुर के VKI थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित सौरभ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के जयपुर में मैनेजर है। पीड़ित ने ऑनलाइन शॉपिंग में 37 एप्पल आईफोन ऑर्डर किए थे। आरोप है कि कुरियर कंपनी ने सील पैक डिब्बों को बदलकर उनकी जगह डमी फोन रख दिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर कुरियर कंपनी के संचालक सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,05,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने मामले में पैरवी करते हुए बताया कि 25 दिसंबर 2016 को नाबालिग किशोरी घर से गुमशुदा हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दी गई थी। पुलिस ने 2 जनवरी 2017 को नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर बयान दर्ज किए तो पीड़ित युवती ने बताया कि चाकू की नोक पर आरोपी उसका अपहरण कर ले गया था, जब सरकारी स्कूल में 8 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र के गांव गणेश्वर में निजी क्लिनिक खोलकर बैठे नीम हकीम के इलाज के बाद 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। ढाणी मुटाली राजू वाली गुवार निवासी अशोक गुजर को परिजन नीम हकीम मोहनलाल गुजर के पास सर्दी जुकाम के इलाज के लिए लेकर गए थे, जहाँ झोला छाप ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया। परिजनों का आरोप है कि इसके फौरन बाद बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगे, तो परिजन बच्चे को लेकर नीमका थाना जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने नीम हकीम को गिरफ्तार करने और हत्या का मामला दर्ज करवाने व मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। विरोध प्रदर्शन के बाद ब्लॉक CMHO डॉक्टर अशोक यादव ने मेडिकल सहित 2 दुकानों को सीज किया है। जोधपुर जिले के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के पाल गांव में अपहरित एक ज्वेलर का अधजला शव उदयपुर जिले के जंगल में मिला है। पाल बालाजी क्षेत्रवासी ज्वेलर के बेटे अनिल का उसके दोस्त ने साथी के साथ किडनैप किया था। मृतक युवा ज्वेलर का साथी एक पाक विस्थापित युवक उसके पिता की कार से 30 लाख के गहनों सहित फरार है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी भवनलाल सोनी के बेटे अनिल सोनी के अपहरण की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनकी पाल में चामुड़ा ज्वेलर्स नाम से दुकान है।
अनिल कुमार दुकान पर बैठा था, उसके मोबाइल पर कार से पाली टोल नाके पर रुपए कटने का मैसेज आया। इस पर वे तुरंत दुकान पर पहुंचे तो दुकान खुली हुई थी और बेटा नहीं था और कार भी नहीं थी। दुकान के सीसीटीवी देखे तो आशापूर्णा सिटी में उनकी दुकान के पास रहने वाला राजू माली उनके बेटे को कुछ पिला रहा था। अनिल जब बेसुध हो गया तो राजू ने उसे कार में बिठाया और ले गया। पुलिस ने अनिल के शव को सायर के जंगल से बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की 13 दिन पहले ही शादी हुई थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने सूचना दी थी कि उसके जेठ के लड़के शुभम सोडानी ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। युवक घर के पास ही एक रेस्टोरेंट पर काम करता था। मृतक शुभम के पिता प्रमोद ने बताया कि शुभम की 9 अप्रैल को शादी हुई थी। दलालों उषा शर्मा और अशोक सैनी को 2 लाख रुपए देकर हिसार की रहने वाली युवती से शादी की थी। अगली सुबह युवती वापस चली गई। ऐसे में जब दलालों को इस बारे में बताया तो उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुएं में 4 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बारात में आए 35 साल के युवक की करतूत सामने आई है, जिसने सोती हुई मासूम को कुएं में डाल दिया। हालांकि मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घटना की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। पुलिस ने बताया कि बारात में आए युवक रामेश्वर लाल धाकड़ पर मासूम को कुएं में फेंकने का आरोप है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भरतपुर जिले के आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार तड़के उस वक्त चीख पुकार मच गई जब नींद में सोए यात्री अचानक तेज धमाके की आवाज़ से जागे और खुद को जिंदगी बचाने के लिए रास्ता तक नहीं सूझ रहा था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में यात्रियों को ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है, लेकिन चालक की मौत हो गई। हुआ यूं कि तूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर एक स्लीपर कोच बस पलट गई। दुर्घटना में बस के चालक की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। यात्रियों ने बताया कि स्लीपर कोच बस उत्तर प्रदेश के उरई से जयपुर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी बस चालक कुलदीप की मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।